हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो नेट का ब्लाउज होता है और डिज़ाइनर वो भी, वो कैसे बनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके मैं आपको बताऊंगा कि बुटीक पे जो है ये कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आप अगर बनाओगे तो हो सकता है कि उसमें जो है सही रास्ते से नहीं बनाओ तो उसमें कहीं खिंचाव आ जाए, कहीं ढीला पड़ जाए। तो मैं जो आपको स्टाइल बताने वाला हूँ तो बुटीक लाइन में बनाई जाती है। और बताने से पहले जो है आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 36 साइज का जो है ब्लाउज बनाएंगे। तो इसकी लंबाई जो है 14 इंच है, 36 सीना है, 31 कमर है, शोल्डर 14 है और बाजू रखेंगे हम इसकी 10 इंच की रखेंगे और मोरी है 10.5 की। और इसका बाइसेप का नाप यानी कि 5 इंच पे जो है इसकी गोलाई 12.5 इंच है। और हम बनाएंगे बोट नेक। तो सबसे पहले जो है मैंने निशान लगा लिया है ये 15 इंच पे, क्योंकि लंबाई 14 है, 1 इंच जोड़ लिया और शोल्डर इसके 14, तो 14 का आधा 7, हमने 7 इंच रख दिया है इसका शोल्डर आधा करके। इसमें कुछ जोड़ना नहीं है क्योंकि ये बोट नेक है। और दूसरा निशान जो है हमने ये सीने का लगा लिया है, ये 7 इंच पर जो है लगेगा आर्म होल के लिए निशान। और 7 इंच का ये लगा दिया हमने। इसके नीचे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ये नापेंगे तो ये सीने का चौथा हिस्सा रख देंगे हम। चौथा हिस्सा 36 सीना है तो रखेंगे हम 9 इंच और कमर है इसकी 31, चौथा हिस्सा 7.5, उसमें हम 7.25 इंच जोड़ देंगे तो ये 9 इंच आ जाएगा। तो डार्ट का निशान भी मैंने लगा लिया है और गले का निशान जो है हम लगभग यहाँ से जो ऊपर का निशान लगाया हमने लंबाई का, वहाँ से 3.25 इंच लगाएंगे। और चौड़ाई जो है इसमें आप 5.5 से लेकर 6.25 भी ले सकते हैं। तो मैंने 5.5 पर निशान लगाया है और इसको गोलाई देते हुए निशान लगा लिया है। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो है हमको जो गला बनाना है इसमें, मान लिया कि 11 या 11.5 इंच डीप करना है, तो हम यहाँ से लगभग 3 इंच की चौड़ाई पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको नापेंगे। तो 11.5 इंच पर मैं निशान लगा लेता हूँ, क्योंकि आप इस ब्लाउज़ को पैडेड भी बना सकते हैं, नेट वाला ब्लाउज़ है तो 11, 11.5, 12 जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो मैं निशान लगा लेता हूँ यहाँ पे। और दूसरी इम्पोर्टेंट आपको बात बताने वाला हूँ कि जो ये ब्लाउज़ हम बनाएंगे तो ये जो इसका अस्तर जो हम लगाएंगे इसमें, वो क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ तक नहीं लगाएंगे, आर्म होल के नीचे नहीं लगाएंगे, आर्म होल में ले जाएंगे उसको अस्तर को यहाँ तक। इससे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे अस्तर का यूज नहीं करेंगे तो ये इसमें जैसे नेट में स्ट्रेच होता है तो खिंच के वो ढीला पड़ जाएगा और पहनने के बाद मुश्किल से 1-2 घंटे में बिल्कुल ढीला हो जाएगा ब्लाउज। तो हम अस्तर का इस्तेमाल यहाँ तक करेंगे। तो कुछ ऐसी डिज़ाइन बनाएंगे जो इसमें इसका आर्म होल भी कवर हो जाए। तो चलिए डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन आप कुछ भी बना सकते हैं लेकिन उसका एंड इस आर्म होल में हो, ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और आप अगर चाहें तो यहाँ से भी जो है इसका अस्तर ले सकते हैं, इस प्रकार से कोई डिज़ाइन बना दें, वी नेक बना दें या जो भी बनाना चाहें। तो ये जो है गला आपको ब्रॉड हो जाता है, उसमें एक खाली नेट दिखाई देगी और अस्तर इधर दिखाई देगा। तो मैं आपको जो डिज़ाइन बताने वाला हूँ वो इस प्रकार से हम जो डिज़ाइन करते हैं। ये मैंने जो है यहाँ पे एक स्वीट हार्ट चौड़ा जैसे होता है, इस प्रकार से जो है मैं इसमें डिज़ाइन लगा लेता हूँ। आप चाहें तो इसमें यहाँ पर कंगूरे भी दे सकते हैं इस प्रकार से, और फूल पत्ती बनाना चाहें, जो कुछ भी आप जो है बनाना चाहें यहाँ पे बन सकती है। लेकिन इसका एंड आप देख सकते हैं कि मैंने आर्म होल में किया है। तो इससे क्या होगा, आपको मैंने पहले बता दिया है कि नेट जो अगर खींचेगी जैसे ही तो उसको इस अस्त्र का सपोर्ट मिल जाएगा, तो नेट ज़्यादा खींच नहीं पाएगी और बॉडी पे बिल्कुल फिट आएगी। अब हम क्या करेंगे कि इसको बनाया कैसे जाएगा, तो इसके लिए हम एक पेपर ओल लेंगे, इसको डबल कर लेंगे हम पेज को। ये ऑलरेडी डबल तो है ही सही, लेकिन हम एक पेज ओल लेंगे डबल और इसी के बराबर एक और काटेंगे हम, बिल्कुल एक्यूरेट इसी के बराबर काटेंगे हम। तो मैं इसको काट लेता हूँ और अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला अखबार का, इस पे जो हम ये निशान लगा लेंगे इस प्रकार से, ये देख सकते हैं
ये साइड का निशान मैंने लगा दिया है इस पे, और इस निशान को जो है वापस पेन से उठा लेंगे, इधर भी, इधर ही कुटका लगा हुआ है, और स्केल से सीधा कर लेंगे। तो हमारे पास जो ये दो बेस बन गए हैं, ये कागज़ के बेस बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो मैंने गला इसमें जो है ये बनाया है, इससे हम इसको पेपर को काट लेंगे। इससे पहले क्या करेंगे कि जो इसका ये गला है बोट नेक, ये मैं काट लूँगा, क्योंकि नेट में कटेगा तो ये गला मैं काट लेता हूँ। बोट नेक जो मैंने इसमें निशान लगाया है, क्योंकि नेट में हम जो है बोट नेक बनाएंगे और अस्तर में डीप बनाएंगे, तो मैंने ये दोनों का ही काट लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमारे पास साबित रहेगा, इसमें जो ये मैंने गला का निशान लगाया है यहाँ पर काट लूँगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखें, आप इसमें चाहें तो कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। ये मैं काट के इसको जो है अलग से रख लेता हूँ, ये वाला हमारा काम का है, इसमें हम जो ये अस्तर इतना ही यूज करेंगे, बाकी ये सब जो है ये नेट का रहेगा। और अब इसका फ्रंट कैसे कटेगा वो पहले काट लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल ज़्यादा बताऊँगा कि इसको नेट पे कैसे काटा जाएगा, अस्तर कैसे कटेगा। तो पहले फ्रंट काट लेते हैं। तो फ्रंट के लिए जो है ये पेपर ले लेते हैं, और जैसा कि हमेशा आपको बताता हूँ उसी स्टाइल से जो बोट नेक का मेरा ब्लाउज़ का जो है वीडियो है, आप इसमें डिटेल्स देख सकते हैं। और हम ये साइड ओपन बनाने जा रहे हैं, तो साइड ओपन के लिए क्या करेंगे हम कि ये जो है यहाँ से आगे से तो बराबर रखेंगे, यहाँ से लगभग 1 इंच जो है हम रख लेंगे, नीचे से 1 इंच छोड़ देंगे हम, ये 1 इंच, ये मैंने 1 इंच नीचे से छोड़ दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि जो ये जो साइड वाला निशान लगाया मैंने, ये साइड का जहाँ पे ये निशान आ रहा है, यहाँ से लगभग आधा इंच दूर ये जो गोलाई आ रही है वहाँ पे निशान लगा लूँगा, और इस निशान को इस प्रकार से उठा लेंगे। इसकी ज़्यादा डिटेल आप जो है मेरे दूसरे जो ब्लाउज़ का बोट नेक का है उसमें देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से निशान उठा लीजिए, और इस निशान को भी सीधा कर लीजिए बिल्कुल। और नीचे से हमको क्या करना है कि कमर है 31, तो 31 मैंने यहाँ लिख दिया है, और 31 में अब हम क्या करेंगे 7.25, इसका चौथा हिस्सा हो गया, 7.25 में हम क्या करेंगे 3.25 इंच जोड़ देंगे, तो ये 11 इंच हो जाएगा। तो 11 इंच पे जो है मैं ये निशान लगा लूँगा यहाँ पे, इस प्रकार से 11 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो निशान लगाया हमने गोलाई वाला, और एक निशान ही लगाया, तो ये आधा इंच दूर जो मैंने निशान लगाया है उस पर क्या करेंगे कि ये वाला जो निशान आ रहा हमारा साइड का, उसको जो है इस पर रखेंगे, और नीचे जो मैंने निशान लगाया था ये चौथा हिस्सा करके कमर का, उसमें 3.25 इंच जोड़ के उस निशान पे जो इसकी सीध में ये निशान आना चाहिए, इस प्रकार से हम रखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसकी सीध में। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे पैमाना रखेंगे, और ये जो काटा था मैंने यहाँ पे निशान, इस पे निशान लगा दूँगा मैं यहाँ पर, और इस निशान को भी क्या करेंगे हम ये आगे की साइड बढ़ा देंगे, और एक निशान जो है यहाँ लगा देंगे इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे कि इसमें आधा इंच जो है ऊपर से छोटा कर देंगे, इससे क्या होता है गला लटकता नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अब हम आर्म होल की डीपनेस दे देंगे इसमें, इस प्रकार से ये आर्म होल की डीपनेस दे दी है मैंने, और निशान गहरे कर लेता हूँ ये आपको समझाने के लिए। इस प्रकार से ये निशान लग जाएंगे, ये थोड़ा डीप कर दिया मैंने, ये आप देख सकते हैं मैंने डीप कर दिया यहाँ पे, और ऊपर से आधा इंच मैंने छोटा कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि 36 सीना है तो इसका डार्ट पॉइंट मैं लगाऊंगा 10.5 इंच पे, ये 10.5 इंच पे निशान लगा लिया है, और आगे से मैं क्या करूँगा 4.25 इंच पे निशान लगाऊँगा। इन दोनों निशानों को मिला देंगे हम इस प्रकार से, और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर देंगे, इस प्रकार से सीधा कर दिया है, और यहाँ से लगभग 1.1 इंच जो है आप दूर निशान लगा देंगे, टोटल 2.25 इंच जो है इसमें मार्जिन जाएगा।
इस प्रकार से, और ये जो साइड का निशान मैंने लगाया था यहाँ पे, इसको इस निशान से मिला देंगे इस प्रकार से। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो ये गोलाई दी आर्म होल की अंदर वाली, इससे जो है आर्म होल के लगभग जहाँ ख़त्म हो रही गोलाई, यहाँ से या थोड़ा ऊपर से भी ले सकते हैं, तो इसको निशान को गोलाई देते हुए इस प्रकार से इसमें मिला देंगे। ये निशान मैं मिला दिया इसमें, और यहाँ पर जो डार्ट होती है एक, उसको यहाँ पर दे देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इसको काट देंगे यहाँ से, तो मैं काट देता हूँ और गले के बारे में भी आपको बताऊँगा इसके बाद कि इसका गला कैसे काटा जाएगा। ये आप देखते रहें, बीच में स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्रंट के जो दोनों भाग हैं वो मैंने काट दिए हैं और ये कुटके भी लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रंट का ये वाला हिस्सा है, इसको हम डबल काट लेंगे। एक तो फ्रेंड्स मैंने ये जो है फ्रंट का ये वाला हिस्सा है वो डबल काट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें तो फ्रेंड्स मैंने ये जो है फ्रंट काट लिया है, और मैंने इसमें क्या किया है कि ये वाला पोर्शन है तो मैंने इसके जो है दो काट लिए हैं, जैसे कि मैंने बैक में काटा था। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है ऊपर से आधा इंच तो छोटा कर ही चुके हैं, लेकिन गले की जो चौड़ाई है वो हम क्या करेंगे कि लगभग जो है यहाँ से आधा इंच में कम करूँगा, ताकि क्या होगा कि गला लटकेगा नहीं, बिल्कुल खिंचाओ इसमें सही रहेगा। तो ये ध्यान से देख लें आप, यहाँ से मैंने जो है ये आगे बढ़ा दिया, इसको बैक को फ्रंट को अंदर कर दिया, यानी कि इधर से ये वाला टुकड़ा मैं निकाल लूँगा, यहाँ से लगभग आधा इंच शोल्डर में कम कर दूँगा फ्रंट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं काट लेता हूँ, ये आप देखें इस प्रकार से, और यहाँ से ही बराबर कर लेता हूँ, और ये निशान मैंने लगा लिया है, इतना छोटा करना है मेरे को। तो अब पैमाने के द्वारा हम निशान लगा लेंगे इसमें, और फ्रेंड्स यहाँ से भी लगभग आधे से पौना इंच हम छोटा कर देंगे इसको, क्योंकि जब हम ये जोड़ते हैं ये वाला पीस इसमें, तो ये सब बढ़ जाता है, तो इसलिए हम इसको छोटा कर लेंगे। ये निशान लगा लिया मैंने, और इसको काट लेते हैं अब, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप। अब हमको क्या करना है कि जो फ्रंट है एक पार्ट ले लेंगे इसका, और इसमें जो है हम जो क्या करेंगे कि गला जो है हम डीप लेंगे इसका, क्योंकि यहाँ खाली नेट रहेगी, अस्तर यहाँ नीचे तक रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ऊपर से वैसे तो पहले ही निशान लगा लीजिए, या फिर आप भूल जाएं मेरी तरह, तो ये इस एक स्केल रख दीजिए और 7.5 इंच जो है यहाँ से नाप लीजिए, 7.5-8 इंच ले सकते हैं आप। ये 7.5 पे निशान लगा लिया मैंने, 7.5 पे, और इसको जो है लगभग यहाँ से यख। तो फ्रेंड्स मैंने जो है ये काट लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से थोड़ा ऊपर से निशान लगाया उस प्रकार से, और ये जो डीपनेस है यहाँ पे 7.5-8 जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, इस प्रकार से ये पेच ये कट जाएगा। और इसी प्रकार से मैंने बैक का भी काटा था, तो ये बैक का मैंने काटा था,
तो हम ये दो टुकड़े हैं तो इनमें अस्तर लगाएंगे, फ्रंट का ये है, बैक का ये है, और बाकी बचे हुए में नेट आएगी। तो मैं आपको अस्तर काट के दिखा देता हूँ किस प्रकार से इसमें अस्तर कटेगा, और ये बिछा देता हूँ मैं इसको अस्तर को, और ये आपको काट के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है इसका अस्तर काट लिया, आप देख सकते हैं इस प्रकार से बिल्कुल एक्यूरेट जो है बराबर काटना है इसको, इस प्रकार से चारों तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट जो पेज हमने काटे थे ये वाले, इसके बराबर हमको अस्तर काटना है। तो मैंने ये अस्तर काट लिया है और आप देख सकते हैं पूरे जो है बराबर साइज़ के कटे हुए हैं ये, कहीं से भी 19-20 नहीं है, ये बराबर काटने हैं। और ये फ्रंट है, फ्रंट में भी जो डीप गले वाला निशान था वहाँ से काटा है मैंने, और इसको इस प्रकार से काट दिया है। और अब जो है नेट की बारी आती है, तो नेट भी आपको बता देता हूँ। नेट में हमको क्या करना है कि जो ये वाला बड़े पोर्शन थे जो है हमारे, उस पर जो है ये नेट रख के मैंने काट दी है इस प्रकार से, और इसको नेट को भी बिल्कुल एक्यूरेट बराबर काटना है। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि होता क्या है कि नेट में कई बार स्ट्रेच होता है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे स्ट्रेच है इस नेट में, तो ये देखिए आप, ये लंबाई में स्ट्रेच दिया है मैंने और चौड़ाई में स्ट्रेच नहीं देना हमको इसमें। तो इससे क्या होगा कि अगर जो है चौड़ाई में स्ट्रेच होगा इसमें तो ये ब्लाउज़ जो है बहुत जल्दी ढीला हो जाएगा, और अगर लंबाई में इसमें स्ट्रेच देंगे हम तो ये थोड़े बहुत दिन तो जो है सही चल जाएगा और लटकेगा नहीं, लेकिन चौड़ाई में जो है अगर इसमें स्ट्रेच देंगे तो ये ब्लाउज़ फैल जाएगा और लटक जाएगा। ये आपको ख़ास ध्यान देना है इस बात पे। और इसके जो सारे पोर्शन मैंने काट लिए हैं, ये फ्रंट है पूरा, तो इस पे जो है मैंने ये नेट इसके बराबर काट दिए बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और साइड वाला पोर्शन भी जो है मैंने बराबर काट दिया है ये वाला, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट काटना है हमको, नेट इसके बराबर ही बिल्कुल एक्यूरेट काटनी है, डबल कटा हुआ ही है क्योंकि दो पोर्शन है ये, और ये बराबर काट दिया है मैंने। अब इसको जोड़ना कैसे है तो मैं आपको सिंपल तरीके बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या करना है कि आपको जो है ये बैक उठानी है, जो ये हमारी बैक है, और इसका पोर्शन हटा दीजिए ये, और इसमें जो है यहाँ पर जो है आप फ्यूजिंग की पट्टी लेकर इसको जो है अंदर पलट दीजिए, तो इस प्रकार से जो ये गला बन जाएगा अंदर वाला। और इसको जो है आप इसके ऊपर ऐसे रखिए और चारों तरफ इसको सील दीजिए, इसी पेपर के ऊपर आप सिल देना है इसको बिल्कुल। पेपर पे सिलने से क्या होगा कि जब आप इसकी गोट बनाएंगे, पाइपिंग लगाएंगे, तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, अन्यथा क्या होगा कि जैसे इसमें स्ट्रेच होगा, इसमें नेट में स्ट्रेच होगा तो वो फैल जाएगा और आपकी पाइपिंग कहीं से छोटी कहीं से बड़ी हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि चारों तरफ इसकी सिलाई लगा देनी है, इस नेट को इस पेपर के साथ सिल देना है, और पाइपिंग लगाने के बाद इस पेपर को आप आराम से हटा सकते हैं। तो ये तो होगी बैक की बात। अब आते हैं इसका फ्रंट, फ्रंट कैसे बनेगा। फ्रंट में भी आपको जो है ये पेपर हटा देना है, और इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर पे जो है फ्यूजिंग की पट्टी लगानी है इतनी बराबर बराबर, उससे पलट देना है और ये ऐसे जम जाएगा इस पर, और नेट को जो है इसके ऊपर इस प्रकार से रख देंगे बिल्कुल बराबर, और चारों तरफ हम क्या करेंगे इसमें सिलाई लगा देंगे, इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे हम चारों तरफ। इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, इसको ऐसे फैला दीजिए, और इसमें हम जो है पट्टी लगा ही चुके हैं, तो इसको ऐसे लगा दीजिए आप इस प्रकार से, ये गला बन जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो है नेट का इसके ऊपर हम ऐसे बिछा देंगे और चारों तरफ इसमें सिलाई लगा देंगे हम। ये चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे इसमें, और यहाँ पर भी जो पाइपिंग लगा दीजिए आप, चाहे तो गोट लगा दीजिए, जैसा भी लगाना चाहें। तो इस प्रकार से ये डिज़ाइन बन जाएगा आपका आराम से। और ये साइड वाले जो पैच हैं इसमें भी क्या करना है हमको, इस नेट के ऊपर जो है ये अस्तर जो है हम लगा लेंगे इसमें इस प्रकार से, दोनों साइड में नेट ऊपर रहेगी,
और ये अस्तर अंदर रहेगा। इस प्रकार से पोर्शन बन जाएगा, चारों तरफ सिलाई लगा देंगे हम और इसमें इस प्रकार से जुड़ जाएगा यहाँ पे, और आपका जो है ये ब्लाउज आराम से बन जाएगा। और बाद में इस पेपर को आप आराम से हटा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये जो नेट वाला ब्लाउज डिज़ाइनर, इसका चैप्टर होता है पूरा। धन्यवाद।